हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज विरेन। जो भी लोग कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम, तो कब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कह सकते हो। मैं कुछ भी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एकदम सही बताने वाला हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ जस्ट फॉर द व्यूज एंड ऑल। तो जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो एकदम जेन्युइन बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप कैट की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाता रहूंगा। तो देखो, ज्यादातर मेरी ऑडियंस जितनी भी है, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर लिया है टीसीएस, या फिर जिन लोगों ने आईटी ज्वाइन कर रखे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो ऑडियंस मेरी ज्यादा है। और अगर इसके अलावा भी कोई और ऑडियंस है तो मुझे कमेंट करके बता सकती है, तो मैं आगे वीडियोस लाते हुए ध्यान रखूंगा इस चीज को। तो यार देखो, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके और बहुत सारा ना कंफ्यूजन है यार कि आईटी में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, या आप कुछ नई चीजें सोच रहे हो। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अब स्विच करने की सोच रहे हैं, बट उनके दिमाग में एक अलग कंफ्यूजन चल रहा है, यार मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं यहाँ टीसीएस पे कुछ पैकेज पे हूँ, निंजा पे हूँ या डिजिटल पे हूँ, और अब मुझे कुछ नया करने की जरूरत है, या फिर या तो मैं स्विच करके अपना पैकेज डबल कर लूँ, या फिर कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है। तो देखो, उसको क्लियर करने की बहुत जरूरत है। पहली बात तो जितना भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एमबीए या रिलेटेड टू स्विच, रिलेटेड टू कंपनी या आपके इंटरेस्ट, उसको क्लियर करने की बहुत जरूरत है। वंस आपने अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लिया, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे। बात करते हैं बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप मतलब इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करके आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे अब एमबीए करने की जरूरत है, कि अब मुझे एक नेक्स्ट स्टेप लेना है अपने करियर ग्रोथ में, या फिर एक ऐसा तो एक नेक्स्ट जंप और एक जंप बड़ा जंप लेना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको अपने करियर में एक बड़े जंप की जरूरत है, तो यार देखो, कैट ना वन ऑफ द चीज हो सकती है जो आपके एक बड़े जंप में काम आएगी। आपके करियर में अगर आप अभी यहां पे और यहां से आपको अगर यहां जाना है, रादर देन स्विच एंड ऑल, मुझे लगता है कि कैट एक अच्छा रोल निभा सकती है। एक एमबीए की डिग्री आपको एक अच्छी पोजिशन पर ला सकती है, एक अच्छा जंप दे सकती है। बात करते कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो देखो ज्यादातर लोग कैट की प्रिपरेशन चार फेसेस में करते हैं। मैंने अब तक जो भी देखा है, तो मैंने ये नोटिस किया कि हाँ चार फेसेस में होते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं या जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी इन चार फेसेस में अपने कोर्सेस लॉन्च करते हैं। तो देखो यार, एक फेज होता है जो ज्यादातर लोग एकदम से कैट एग्जाम दे के आ जाते हैं, एकदम से जस्ट सडनली जस्ट वो चेक करने के लिए, एंड देन डिसाइड करते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि नवंबर में कैट के एग्जाम्स होते हैं। तो कैट के एग्जाम ऐसे वो तुक्के में देके आ गए जस्ट बिना प्रिपरेशन, एंड फिर वो डिसाइड करते चलो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ उन्होंने एग्जाम बिना प्रिपरेशन के दिया है तो कुछ अच्छा किया है, और उसमें उनको लगता है कि हाँ सोन सोन वो अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो काफी लोग ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, और काफी लोग जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 2025 का कैट कोई देने की सोच रहा है, तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर सकता है। और ये सबसे पहला फेज होता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आपको काफी एक मिनट 12 महीने का टाइम मिल जाता है, तो आप स्लोली काफी कुछ कवर कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग इस फेज में स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद आती है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये भी मतलब काफी अर्ली फेज है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, जो दो फेज बताया, जो नवंबर दिसंबर बताया या फिर जनवरी फरवरी मार्च में बताया, तो ये अर्ली फेजेस होते हैं जो लोग कैट की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें हमको काफी सारा टाइम मिल जाता है आराम से। अगर आप जनवरी फरवरी मार्च से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 10 महीने का अराउंड मिल जाता है, 9 से 10 महीने, तो उसमें आप बड़े आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं अब आगे दो और फेज जिसमें लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि अप्रैल मई में स्टार्ट करते हुए। रीजन क्या था, और इसमें ना ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले बंदे करते हैं, जो भी वर्किंग है वो अप्रैल मई में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्च के एंड में उनका अप्रेजल हो जाता है, और अप्रेजल होने के बाद कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग नहीं सेटिस्फाई होते, तो वो एकदम से डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें आगे दिखता है कि हाँ नवंबर में कैट का एग्जाम है, तो वो अप्रैल मई में स्टार्ट कर देते हैं। तो अप्रैल मई भी काफी अच्छा टाइम, जो मुझे लगता है कि बहुत सही टाइम होता है अगर आप अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल मई में। फिर आते हैं वो लोग जो कि आखिरी फेज होता है, जून और जुलाई। मेरे अकॉर्डिंग जून और जुलाई के बाद तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, वरना मैं ये वीडियो लेके आने वाला नहीं था। आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑलमोस्ट, अगर आप देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 महीने तो बचे ही हैं, तो 5 महीने भी काफी सफिशियंट होते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो 5 महीने में भी कैट में एक अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए काफी सही टाइम है। देखो यार, ऑब्वियसली आप कैट के प्रिपरेशन चाहे नवंबर दिसंबर में कर रहे हो, चाहे जनवरी फरवरी में, या अप्रैल मई या जून जुलाई। देखो यार, अगर टाइम कम है, यानी कि अगर आप जून जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली कि टाइम बहुत कम है,
तो आपको क्या है कि अपने प्रिपरेशन की जो स्पीड है वो बढ़ाने की जरूरत है। जी हाँ, अगर आप नवंबर दिसंबर में कर रहे हो और आप पर डे 2 से 4 घंटे दे रहे हो तो अब आपको 6 घंटे देने की जरूरत है। तो ये तो ऑब्वियसली है कि बेसिक चीज है, ये तो समझ में आता है कि हाँ अगर टाइम कम है तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो देखो जून जुलाई से भी काफी लोग पढ़ाई करते हैं और काफी ज्यादा लोग जो कैट क्लियर करते हैं वो अप्रैल से जुलाई के बीच में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम टाइम होता है तो डिस्ट्रेक्शंस कम होते हैं, कम हम इधर उधर चीजों में जाते हैं और हम इजिली अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। कोई यार अगर आप ना जुलाई के बाद ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अगस्त सितंबर में दे रहे हो, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या फिर आप कहीं कोर्स पे अपने पैसे वेस्ट करो। तो जितने भी आपको फ्री सोर्सेस मिल रहे हैं ना, आप उससे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं फ्री सोर्सेज की, अगर कौन कौन से, तो यार देखो आप वीआरसी के लिए यार आप कोई भी टीचर देख सकते हो, और वीआरसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं रिकमेंड करूंगा आयोनेसिस, जो कि काफी लोग काफी टीचर्स रिकमेंड करते हैं। स्टार्टअप एंड आइडिया से कर सकते हो, साथ में आप हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या मिंट हो गया, इन सबको पढ़ने के स्टार्ट कर दो। बात करेंगे क्वांट और एलआरडीआई, तो क्वांट और एलआरडीआई के लिए मैं बेसिकली क्या बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं वो है रोधा। काफी अच्छा फ्री सोर्स है जहां से आप अपने क्वांट की और एलआरडीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने बात कर ली फ्री सोर्सेज की। अगर आपको और भी कुछ कैट के बारे में जानना है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में मेरे इंस्टा पे भी आके बात कर सकते हो, मैं वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है सब बारे में बता सकता हूं। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आगे उस पर और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। कैट से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं और अच्छी चीजें लेके आने की कोशिश करूंगा। सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, क्वांट और एलआरडीआई के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वर्किंग।